Hi guys, welcome to my YouTube channel Career Knowledge Hub. Myself Padmini. आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक रीजनिंग एबिलिटी के सेक्टर लेके आई हूँ जिसे रैंकिंग एंड डायरेक्शन के नाम से जाना जाता है. इसमें कौन सा कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज. तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और मेरा जो बाकी वीडियोस है उसका लिंक इस वीडियो में जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उस पर मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो पहले हम लोगों को रैंकिंग का एग्जांपल लेके आप लोगों को दिखाएंगे कैसे सॉल्व करते हैं. हम लोगों को ये जो रैंकिंग पार्ट है ना इसमें ये फॉर्मूला जो है ये आप लोगों को यूज़ करना होगा. ठीक है, ये जो रैंकिंग का क्वेश्चन है उसमें ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई होगा. तो आप लोग पहले ये नोट कर लीजिएगा, ये जो फॉर्मूला है ये नोट कर लीजिएगा. ठीक है, अच्छे से याद रखना है ये फॉर्मूला. तो अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. ये फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू रैंक ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन फ्रॉम लेफ्ट हैंड प्लस रैंक ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन फ्रॉम राइट हैंड माइनस वन. यानी कि हम लोगों को क्या टोटल नंबर ऑफ पर्सन जब निकालना है तब कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रैंक ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन फ्रॉम लेफ्ट हैंड. यानी कि किसी एक पार्टिकुलर पर्सन का रैंक दिया हुआ होगा हम लोगों का कौन सा, लेफ्ट हैंड से. लेफ्ट हैंड इधर से ये लेफ्ट हैंड होगा और रैंक ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन फ्रॉम दी राइट हैंड. यानी कि जो सेम पर्सन, ठीक है, जो पार्टिकुलर पर्सन का लेफ्ट हैंड दिया था उसी पर्सन का राइट हैंड से उसका जो रैंक है वो हम लोगों को जब पता रहेगा तब ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन हम लोगों को निकालने में इजी हो जाएगा. ठीक है, तो सुनो पहला क्वेश्चन क्या है. इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट राहुल्स रैंक इज 12 फ्रॉम टॉप, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम बॉटम. जो इसमें आंसर्स कितना दिया है, 33, 34, 35 कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंड नन ऑफ दिस. ठीक है, तो ये राहुल्स का 12 रैंक दिया हुआ है 12 फ्रॉम टॉप. हम लोगों को निकालना क्या है, उसका रैंक निकालना है फ्रॉम द बॉटम. ये जो टॉप और बॉटम दिया है ये टॉप जो है टॉप का इक्विवेलेंट क्या है, लेफ्ट. ठीक है, लेफ्ट एंड बॉटम का क्या होगा, राइट हैंड से. ए लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, राइट हैंड ये सेम है. ठीक है, तो हम लोगों को जो फॉर्मूला मिला था उसमें क्या था, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकालना था, टोटल नंबर ऑफ पर्सन रैंक ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन फ्रॉम लेफ्ट हैंड था ना. ये लेफ्ट हैंड के जगह हम लोग टॉप लिखेंगे, लेफ्ट हैंड के जगह हाँ टॉप लिखेंगे. ठीक है, राहुल्स का रैंक फ्रॉम टॉप, ठीक है टॉप है ये, प्लस राहुल्स का रैंक बॉटम, हम लोगों को ये निकालना है, माइनस वन था ये फॉर्मूला था हम लोगों का. तो इसमें दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 45, राहुल का जो रैंक है टॉप से कितना है 12 है, प्लस राहुल का बॉटम जो रैंक है वो निकालना है माइनस वन. तो एक ही स्टेप में हम लोग निकाल सकते हैं, राहुल का जो बॉटम रैंक है निकाल सकते हैं, कितना होगा 45, ये जो 12 इधर आएगा तो माइनस होगा, ये जो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 11, 45 से 11 जाएगा तो कितना होगा 34. ठीक है, तो राहुल का जो बॉटम रैंक है कितना है 34, आंसर कहाँ है, ये आंसर बी है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन ए क्लास ऑफ 41 चिल्ड्रेन आदित्यस रैंक इज 8 फ्रॉम टॉप, ममता इज 7 रैंक्स बिलो आदित्य, व्हाट इज ममता रैंक फ्रॉम बॉटम. आंसर इज 26, 27, सी 25, डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन नन ऑफ दिस. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितना बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस बोल रहे हैं इधर, तो कितना है 41 है. आदित्यस रैंक फ्रॉम 8, आदित्यस रैंक फ्रॉम टॉप
is 8. Aditya's rank from top is 8. Next bola Mamta is 7 rank below Aditya. Mamta ka rank kitna bola hai? Below Aditya. Aditya ke niche hai to Mamta ka bhi top se hi shuru hoga. Top ka hi rank niklega. Kitna hai? 7 rank below hai to is plus 7 ho jayega na. Aditya ke 7 rank piche hai. Below hai to niche hai na plus hoga. Kitna hoga? 8 plus 7. 15. ममता's rank from top 15. तो क्या हम लोगों को निकालने के लिए बोले what is ममता rank from bottom? तो ममता का rank निकालना है from bottom. तो formula use करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है? Direct हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिख रहे, आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा, तो step by step करते हैं. Total number of children equal to Mamta's rank from top plus Mamta's bottom rank minus 1 आएगा. Total कितना है? 41. Top rank कितना है? 15. Minus को इधर पास में लिखेंगे. Plus ये निकालना है हम लोगों को. तो कितना आएगा? ये 14 आ जाएगा ना? 15 minus 1 14 आएगा. 14 minus करने से कितना आएगा? 7 आएगा, 11, 1 केरी होगा ना इधर, तो 11 minus 4, 7, इधर 3 आएगा, 3 minus 1, 2, 27 है, ठीक है, तो ममता's bottom rank कितना होगा, 27, ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, B, B होगा आंसर, 27, next question, in row of boys, Rami is 7th from the start and 11th from his name is 11th from the end. In another row of girls, Rima is 10th from the start and 12th from the end. How many students are there in both rows together? यहाँ two rows बोल रहा है, एक row में boys है और another row में girls है, ठीक है, boys and girls है. तो उसमें राम का पहले बॉयज का, ये जो राम का है उस रो का टोटल जो बॉयज है उसको निकालना है, फिर गर्ल्स का टोटल गर्ल्स कितना है उसको निकालना है. ये जो रीमा दिया हुआ है उधर से निकलेगा, यहाँ राम जो राम का रैंक दिया है वहाँ से निकलेगा. तो पहले बॉयज का टोटल बॉयज देखते हैं, ठीक है. टोटल बॉयज कितना होगा? राम का स्टार्टिंग से कितना रैंक है? 7. और एंड से कितना है? 11 माइनस 1. ये जो फॉर्मूला था उसको मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, ठीक है. तो कितना आएगा? 11 से 1 माइनस करने में 10 आएगा, तो 10 प्लस 7 17. टोटल नंबर ऑफ बॉयज 17 एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आएगा? रीमा का दिया हुआ है ना, रीमा का रैंक एक रैंक दिया हुआ है 10th एंड अनदर रैंक दिया है 12 माइनस 1. यहाँ कितना आएगा? 12 माइनस 1 11. 11 के साथ 11 10 के प्लस 10 प्लस 11 कितना आएगा? 21, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आया? 21. अब टुगेदर बोल रहे हैं ना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन बोथ रोज टुगेदर. टुगेदर बोल रहे हैं तो ये दोनों को प्लस करना है, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आएगा? 17 प्लस 21, 7 प्लस 1 8, 38 आया है, ठीक है. 38, यहाँ 30 है, 38 नहीं है ना, नहीं है. तो ये क्या होगा आंसर? नान ऑफ दीज होगा, ठीक है, नान ऑफ दीज होगा. अब मैं आप लोगों को डायरेक्शन का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ. डायरेक्शन का जो आप लोगों का आइडिया होगा ही होगा डायरेक्शन के ऊपर, है ना. ये जो ईस्ट, ये इस साइड ईस्ट, वेस्ट, ये ऊपर जो है उधर नॉर्थ एंड नीचे साउथ. ये जो है आप लोगों को याद रखना है ना अच्छे से. इसके ये जो डायरेक्शन है इसके ऊपर ही जो हम लोग ये एग्जांपल्स का जो एग्जांपल्स है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे. पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं. राज ट्रेवल्ड फ्रॉम ए पॉइंट एक्स स्ट्रेट टुवर्ड्स
east to y at a distance of 80 meters. He turned right and walked 50 meters. Then again he turned right and walked 70 meters. Finally he turned right and walked 50 meters. How far is he from the starting point? ठीक है, पहले राज कहाँ से शुरू किया था? x पॉइंट से शुरू किया था. एक पॉइंट ले लेते हैं ए, x x पॉइंट से शुरू किया था. स्ट्रेट टुवर्ड्स ईच, ठीक है, स्ट्रेट गया है. कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में. ईस्ट इधर है ना, तो ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है. कितना डिस्टेंस? 80 मीटर. ठीक है, इधर पहुंच गया 80 मीटर. ऐसे आप लोग मतलब आप लोग को इमेजिन करके लेना है. इधर ये 80 मीटर्स होगा, ऐसे इमेजिन करके ले लिया 80 मीटर्स. ठीक है, ही टर्न्ड राइट. आप लोग खुद के आप लोगों को मतलब खुद के साथ इमेजिन करके देखना है. इस साइड होके ट्रेवल कर रहा है ना, था ट्रेवल कर रहा था, तो राइट कौन सा होगा? खुद के साथ इमेजिन करके देखिए, राइट कौन सा होगा? इस साइड होगा राइट. ठीक है, यहाँ फेस करके खड़ा है तो राइट इधर होगा, ये नीचे होगा. तो ही टर्न्ड राइट एंड वॉक्ड 50 मीटर्स. 50 मीटर्स ही वॉक्ड. थोड़ा टेढ़ा हो गया है, स्ट्रेट है. ठीक है, 50 मीटर्स. 50 मीटर्स, ठीक है, इससे तो कम ही होगा. ये जो डिस्टेंस था इससे तो कम ही होगा 50 मीटर्स. डज अगेन टर्न्ड राइट. फिर से राइट कौन सा होगा? इस नीचे जो नीचे फेस करके खड़ा है तो राइट कौन सा होगा? इस साइड होगा. तो क्या हुआ? डज अगेन टर्न्ड राइट एंड वॉक्ड 70 मीटर. 70 मीटर वॉक किया है, इधर पहुंच गया. ठीक है, यहाँ इससे कम होगा, ये 80 मीटर से 70 मीटर थोड़ा कम होगा. ठीक है, 70 मीटर्स. फाइनली ही टर्न्ड राइट, फिर से राइट लिया है. राइट कहाँ होगा? ऊपर होगा. ठीक है, यहाँ खड़ा है, यहाँ फेस करके तो राइट कहाँ होगा? ऊपर होगा. फिर फाइनली ही टर्न्ड राइट एंड वॉक 50 मीटर्स. फिर से 50 मीटर्स वॉक किया है. ठीक है, तो 50 मीटर्स यहाँ लग जाएगा, क्योंकि ये 50 मीटर्स है, ये भी 50 मीटर्स है, सेम है, तो फिर यहाँ लग जाएगा. तो वॉक 50. हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? तो ये एंड पॉइंट हो गया. ठीक है, ये एंड पॉइंट हो गया. ऐसे ही हम लोग नाम दे लेते, एक नाम दे लेते वाई. ठीक है, नाम दिया है. तो ये डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है. ठीक है, ये जो पूरा डिस्टेंस है कितना? 80 है. और यहाँ से यहाँ कितना होगा? ये कितना था? नहीं लिखा हमने, हाँ 70 था, ये 70 मीटर. ठीक है, ये 70 मीटर था, तो ये भी 70 हो गया. ठीक है, ये 70 हो गया. ये जो पूरा है ये 80 और ये 70, तो माइनस करना पड़ेगा हम लोगों को 80 से 70, तो कितना आएगा? ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा? 10 आएगा. ठीक है, 10 आएगा. तो आंसर कितना आएगा? 10 मीटर. डिस्टेंस पूछा है ना लास्ट टाइम, तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट का डिस्टेंस पूछा, तो कितना आएगा? 10 आएगा. आंसर कौन सा? ए आएगा, 10 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम फेसिंग साउथ. I turned right and walked 20 meters. Then I turned right again and walked 10 meters. Then I turned left and walked 10 meters. And then turning right, walked 20 meters. Then I turned right again and walked 60 meters. In which direction am I from the straight starting point? तो पहले हम लोग इमेजिन कर लेंगे, हम इधर खड़े हैं, तो फेसिंग साउथ मतलब नीचे नीचे फेस करके खड़े हैं, टर्न राइट के बोल रहे हैं. ठीक है, टर्न राइट, तो ऐसे खड़ेंगे, राइट किधर कहाँ होगा? आप खुद को इमेजिन करके देख लीजिए, राइट कहाँ होगा? इस साइड होगा. ठीक है, इधर ले लेते थोड़ा. राइट कहाँ होगा? इस साइड. आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर्स. 20 मीटर्स. देन आई टर्न राइट अगेन. फिर से राइट लेंगे तो ऊपर होगा ना, ऊपर आएगा. टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर. थोड़ा नीचे ले लेते हैं, नहीं तो थोड़ा कम हो जाएगा. नीचे था, फेस साउथ की तरफ है, तो राइट इस साइड घूमना होगा. वॉक 20 मीटर्स. देन आई टर्न राइट अगेन. टर्न राइट अगेन, राइट ऊपर होगा, फिर वॉक 10 मीटर्स. देन आई टर्न लेफ्ट. लेफ्ट कहाँ होगा? इस साइड होगा. ठीक है,
left hand walk 10 meters. 10 meters. And then turning right. यहाँ से right कहाँ होगा? ऊपर होगा. ठीक है, turning right, walking, walk 20 meters. ऊपर होगा 20 meters. Then I turn right. Right कहाँ होगा? इस साइड होगा. ठीक है, right यहाँ होगा. Right again and walk 60 meters. 60 meters. ठीक है, 60 meters से. ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, तो 30, 60 है ना, ये 60 हो तो इस थोड़ा और भी लंबा हो जाएगा. ठीक है, 60 मीटर इमेजिन नहीं कर रहे. ठीक है, इमेजिन कर रहे 60 मीटर यहाँ से हाँ, और दोगुना ज़्यादा होगा. इन व्हिच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला था ना, एंडिंग पॉइंट ये है, तो ये जो एंड पॉइंट है कौन सी डायरेक्शन में है. ठीक है, यहाँ डायरेक्शन का वो जो है वो मैं ड्रॉ करके रखी हूँ, तो कौन सी डायरेक्शन में होगा ये रहा आप, और इस साइड है ना, ये एंड पॉइंट इस साइड है, तो कौन सी डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, आंसर कितना आएगा, डायरेक्शन कौन सा आएगा? नॉर्थ ईस्ट आंसर होगा, नॉर्थ ईस्ट. और एक क्वेश्चन ले लेते हैं. रोहित वॉक 25 मीटर साउथ, ए एस साउथ है हाँ. देन ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर्स. ही देन टर्न्ड टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर्स. ही अगेन टर्न्ड टू हिज राइट एंड वॉक 15 मीटर्स. एट व्हिच डायरेक्शन एंड व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, रोहित पहले दिया है, रोहित वॉक 25 मीटर्स इन साउथ, 25 मीटर्स साउथ, तो नीचे आएगा कितना? 25 मीटर्स, ये स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक है, 25 मीटर्स. देन ही टर्न्ड लेफ्ट, लेफ्ट यहाँ इधर इस साइड होगा. ठीक है, लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर्स, 20 मीटर्स. ही देन टर्न्ड टू हिज लेफ्ट, फिर से लेफ्ट लिया है एंड वॉक 25 मीटर्स, 25 मीटर्स फिर से वॉक किया है. ठीक है, 25 मीटर्स इसके बराबर है. ठीक है, 25 मीटर्स. ही अगेन turned to his right, turned to his right आएगा, right इस साइड होगा, right एंड वॉक 15 मीटर्स, ये 15 मीटर्स है. ठीक है, 15 मीटर्स. एट व्हिच डायरेक्शन एंड व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि ये जो ये एंड पॉइंट है इसका डिस्टेंस निकालना है और डायरेक्शन निकालना है. हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे. ज्वाइन किया, ये 15 है, ये निकल है, ये कितना है देखिए, 20 मीटर्स होगा, ये 20 मीटर्स होगा. ये जो पैरेलल है इसका जो मतलब लेंथ है 20 मीटर्स होगा, तो ये इस दोनों को इन दोनों को प्लस करना है. ठीक है, प्लस करने में कितना आएगा, 20 प्लस 15 35 आएगा. ठीक है, एक्स वाई कितना आएगा, 35, 20 प्लस 15 कितना आएगा, 35 मीटर्स. और डायरेक्शन कौन सा है, ठीक है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है डायरेक्शन किधर होगा, ईस्ट होगा, ईस्ट. ठीक है, इस दोस्तों ये था रैंकिंग एंड डायरेक्शन का कुछ क्वेश्चन. इस चैप्टर में और अलग टाइप का भी क्वेश्चन है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी. तो वीडियो, आई होप इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा.